शिर्डीच्या साईंच्या चरणी दानाचा ओघ सुरू असून बेंगलोर येथील दानशूर साई भक्त श्यामला जयप्रकाश माकम, दिलीप जयप्रकाश माकम, विनोद जयप्रकाश माकम यांच्या परिवाराने वडिलांची शिर्डीत शाळा बांधण्याची इच्छा पूर्ण केली असून शाळेसाठी 3.5 गुंठा जागेत जवळपास 75 लाखांची इमारत साई संस्थानला दान स्वरूपात दिली. शाळेसाठी बांधलेली इमारत साई भक्त परिवाराने साई संस्थानकडे सुपूर्द केली असून शिर्डी साकुरी शिवाजवळ ही 2 मजली इमारत बांधण्यात आली आहे. बेंगलोर येथील देणगीदार साई भक्त परिवाराचा श्री साईबाबा संस्थानच्या वतीने संस्थानचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम मुळे यांच्याकडून शाल आणि डायरी देऊन सत्कार करण्यात आला. शिर्डीमध्ये शाळा बांधून चालवण्याची माझ्या वडिलांची इच्छा होती, ती आम्ही पूर्ण केली असून 3.5 गुंठे जागेमध्ये इमारत बांधली असून साई संस्थानला दान दिले आहे. वडील 20 वर्ष साईबाबांची मनोभावे सेवा करत होते असं देखील मुलगा दिलीप माकम यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलंय. सी हम लोग बेंगलोर से हैं, हम माकम जयप्रकाश का बच्चे हैं. सो पिताजी का इच्छा था, पिताजी का इच्छा था कि एक स्कूल बना के चलाने के लिए. जमीन लेने के बाद पिताजी का देहांत हो गया तो उसके वजह से अभी उनके जाने के बाद हम लोग स्कूल बना के ट्रस्ट को, संस्थान को हम लोग डोनेशन दिया है. डोनेशन हम लोग जमीन स्कूल बना के उसके ऊपर पूरा रेडी करके संस्थान को दिया है. कीमत आसपास 75 लाख से 80 लाख हो सकता है. पिताजी बेंगलोर यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, बेंगलोर में हैं लेकिन यहाँ पे 20 साल में रहते हैं. इनका सेवा कर रहे मतलब तो उनका याद बहुत है, तो उनको वो चीज़ करना था जाने से पहले, उसके वजह से हम लोग खत्म उसको आज कंप्लीट कर रहे हैं इसका उनके याद में. प्रार्थना क्या करेंगे, सब अच्छा रहना चाहिए बने, और क्या रहता है इसका प्रार्थना तो सब अच्छा रहना है बस, बाकी कुछ नहीं रहता. आपका क्या नाम है? दिलीप. पूरा नाम क्या है? एमजे दिलीप कुमार, माकम दिलीप कुमार. प्रतिनिधी प्रदीप पाटील, एस न्यूज मराठी, शिर्डी अहमदनगर.